नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीएमवी न्यूज पर। दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन की वजह से कई लोग प्रभावित हो रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशान दिहाड़ी मजदूरों को हो रही है। उनको खाने पीने की समस्या हो गई है, जिसके चलते वह शहर छोड़कर अपने घर और गांवों की ओर पलायन कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने इन लोगों के लिए अपनी ओर से आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है, वहीं कई फिल्मी सितारे भी दिहाड़ी मजदूर और गरीब लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इस बीच अभिनेत्री से नेता बनी हेमा मालिनी भी मजदूरों की मदद के लिए आगे आई हैं। साथ ही हेमा मालिनी ने सभी धार्मिक स्थलों, मंदिर, मस्जिद और चर्च के दिहाड़ी मजदूरों की मदद करने की अपील की है। उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लिखा, मैं इस मौके पर सभी मंदिर, मस्जिद और चर्च से अपील करती हूँ कि वह गरीब लोगों की लॉकडाउन के दौरान मदद करें। ये सभी लोग बेरोजगार हैं और बिना घर के हो गए हैं। उनके भलाई और सुरक्षा के लिए आप सभी दिल खोलकर दान करें। हेमा मालिनी ने अपने दूसरे ट्वीट में उन गुरुद्वारों की तारीफ की है, जो गरीबों और मजदूरों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया है। लॉकडाउन होने की वजह से सभी तरह के उद्योग धंधों को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। इससे सबसे ज्यादा असर मजदूरों पर पड़ रहा है। उनके सामने खाने पीने के साथ कमाई के जरिए का संकट पैदा हो गया है। इसी वजह से वह अपने अपने गांवों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से लोग पैदल ही गांवों की तरफ जा रहे हैं। इसी बीच महाराष्ट्र और कर्नाटक में पलायन करने वाले कुछ लोग हादसे का शिकार हो गए हैं। 3 हादसों में अब तक 12 लोगों की मौत हो